हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा टाइम शॉर्ट एंड कंप्यूटर कॉलेज अलवर में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टेबल ऑफ कंटेंट्स और अब हम पढ़ेंगे फुटनोट्स। फुटनोट्स जो है वो काम आता है मेनली किसी पर्टिकुलर किसी शब्द पर कोई भी उसकी उसके बारे में कुछ अगर हम बताना चाहते हैं जैसे या हम उसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं उसके लिए फुटनोट हमेशा लगता है पेज के एंड में और एंड नोट हमेशा लगेगा डॉक्यूमेंट के एंड में। यदि हमारे डॉक्यूमेंट में दो पेज हैं, अब हम इसमें फुटनोट लगाते हैं। फुटनोट लगेगा पर्टिकुलर किसी वर्ड को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा फुटनोट लगाने के लिए। जैसे हमने इस नोटिस को सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट फुटनोट। अब हम यहां पर फुटनोट इस नोटिस के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। अब आप देखोगे कि नोटिस पर एक नंबर लिखा हुआ आ रहा है, ये आ रहा है। और जब हम इस पर कर्सर को लेकर जाएंगे इसके पास, इसके चारों तरफ कहीं भी, तो ये इस पर लिखा हुआ आएगा जो भी हमने फुटनोट में लिखा हुआ होगा। हम एक से अधिक भी फुटनोट लगा सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में। उस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, फुटनोट पर क्लिक कर देंगे, इंसर्ट फुटनोट को जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा कर्सर फुटनोट एरिया में आ जाएगा। यहां हम कुछ भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट एंड नोट। फुटनोट और एंड नोट में एक सीधा सा अंतर है। फुटनोट हमारा लगता है हमेशा पेज के एंड में, जिस पेज पर हमने वर्ड को सेलेक्ट किया हुआ है ये उसी पेज पर लगेगा। और एंड नोट हमने चाहे वर्ड किसी भी पेज पर हो बट एंड नोट हमेशा लगेगा डॉक्यूमेंट के लास्ट में, जहां हमारा डॉक्यूमेंट खत्म हो गया, जहां हमने लिखना बंद कर दिया डॉक्यूमेंट में, जहां लास्ट है उसका वहां पर लग जाएगा एंड नोट। किसी भी वर्ड को हम सेलेक्ट करें, एंड इंसर्ट एंड नोट करें। देखिए अब हमारा कर्सर सेकंड पेज पर चला गया, यहां पर हम कुछ भी लिखे इसके बारे में। अगर हम और किसी वर्ड पर भी लगाना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे उस वर्ड को, इंसर्ट एंड नोट पर जाएंगे। इंसर्ट एंड नोट को जब हम क्लिक करेंगे तो कर्सर हमारा एंड नोट एरिया में चला जाएगा। अब हम यहां पर लिख सकते हैं इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है नेक्स्ट फुटनोट। इसमें चार ऑप्शन खुलते हैं, नेक्स्ट फुटनोट, प्रीवियस फुटनोट, नेक्स्ट एंड नोट और प्रीवियस एंड नोट। यदि हम प्रीवियस फुटनोट पर जाना चाहें तो इस तरह से हमारा कर्सर मूव करेगा और वहां चला जाएगा जहां हमने फुटनोट लगा रखा है। ये आ गया। और यदि हम नेक्स्ट पर जाना चाहेंगे तो नेक्स्ट फुट नोट पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह से यदि हम एंड नोट देखना चाहते हैं तो एंड नोट पर क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर एंड नोट पर चला जाएगा जहां हमने एंड नोट लगा रखा है। इस तरह से इसके पश्चात शो नोट्स में अगर हम फुट नोट एरिया शो करना चाहते हैं तो फुट नोट एरिया को चूज करेंगे। यदि हम एंड नोट एरिया को शो करना चाहते हैं तो एंड नोट एरिया को चूज कर लेंगे, ओके करेंगे, कर्सर हमारा एंड नोट एरिया में चला जाएगा। इसी तरह से यदि हम फुटनोट एरिया में जाना चाहते हैं तो हम फुटनोट एरिया को चूज करेंगे,
ओके करेंगे और कर्सर हमारा फुटनोट एरिया में चला जाएगा। ये तो बात हुई फुटनोट और एंडनोट लगाने की। अब फुटनोट और एंडनोट को आप हटाएंगे कैसे? यदि हम सिंपली से यहाँ सेलेक्ट करें, डिलीट कर दें, तो ये हमें एक एरर दिखाएगा, दिस इज नॉट ए वैलिड एक्शन फॉर फुटनोट। ये फुटनोट के साथ एक वैलिड एक्शन नहीं है। इन्हें डिलीट करने के लिए हम उस नंबर पर जाएंगे, उस वर्ड को देखेंगे जहां पर हमने वो फुटनोट लगा रखा है, और फिर हम उस नंबर को क्लिक करेंगे जो हमने फुटनोट के रूप में उसके ऊपर शो हुआ था जब हमने फुटनोट लगाया था। अब इस नंबर को जब हम डिलीट कर देंगे तो हम देखेंगे कि वहां से वो फुटनोट भी डिलीट हो गया है। इसी तरह से एंडनोट को डिलीट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे उस नंबर को, देन उसे डिलीट कर देंगे। और अब आप देखोगे कि जो एंडनोट था राइट साइड जो हमने लगाया था वो डिलीट हो गया है। ये फुटनोट और एंडनोट का डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। इसमें ये एंड ऑफ डॉक्यूमेंट में लगेगा। नंबर फॉर्मेट हम क्या शो करना चाहते हैं, जैसे अभी हमने एंडनोट लगाया तो उस पर रोमन संख्या में 1, 2, 3 लिखा हुआ आ रहा था। यदि हम एबीसी लिखना चाहते हैं या फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना चाहते हैं तो हम यहां से उसे चूज कर लेंगे, और जो भी हम चूज करेंगे फॉर्मेट वही उस पर शो होने लग जाएगा। इस तरह से कोई सिंबल यदि हम लगाना चाहते हैं तो वो सिंबल भी हम यहां से चूज कर सकते हैं। अब स्टार्ट एट ए, ए से हम स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर बी से स्टार्ट करना चाहते हैं वो हम यहां चेंज कर सकते हैं और अप्लाई कर देंगे हम इसे। अब आप देखोगे कि हमने जो एंड नोट लगाया था वो ए हो गया है, एक की जगह चेंज हो गया है वो। ये है फुटनोट और एंड नोट। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से आते हैं कि आपको जैसे कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि उस वर्ड पर ये फुटनोट लगाइए, तो आपको वो फुटनोट वो वर्ड चूज कर उस पर फुटनोट इंसर्ट फुटनोट क्लिक कर आप उस पर फुटनोट लगा देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कैप्शन को, क्योंकि एफिशिएंसी में आज तक कभी भी क्रिएशन या बिब्लियोग्राफी से संबंधित कोई क्वेश्चन आया नहीं है। इसके बाद हम कैप्शन को पढ़ेंगे। धन्यवाद।